गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम धर्मेंद्र चौहान, योर इंग्लिश टीचर, स्टैंडर्ड सेकंड। स्टैंडर्ड सेकंड में मैं आपको इंग्लिश पढ़ाऊंगा। तो इस साल हम 2021 में मैं आपको इंग्लिश पढ़ाऊंगा। इंग्लिश इज अ लैंग्वेज, इंग्लिश एक लैंग्वेज है। अगर आपको लैंग्वेज सीखनी है तो आपको पहले उसे लिसनिंग करना पड़ेगा, यानी कि सुनना पड़ेगा। तो जो भी कोई न्यू वर्ड्स आए या फिर कोई भी न्यू लाइन आए या फिर यूनिट आए या फिर पोएम आए, तो आप पहले उसे लिसनिंग कीजिए। तो लिसनिंग, जो भी कोई है लिसनिंग करेंगे, टीचर क्या पढ़ते हैं, घर में पेरेंट्स क्या पढ़ते हैं, वो आप लिसन कीजिए। तो जो भी कोई इंग्लिश न्यू वर्ड्स है और यूनिट है, जो भी है, आप पहले उसे लिसन कीजिए स्पीकिंग। उसके बाद आप ट्राई कीजिए स्पीक, यानी स्पीकिंग करने का, उसको बोलने की स्पीकिंग कीजिए। अगर आपको एप्पल का स्पेलिंग है जो, तो आप उसे एप्पल का स्पेलिंग क्या करेंगे, आप उसे स्पीकिंग करेंगे कि इसको एप्पल का स्पेलिंग ऐसे बोला जाता है। तो आप जो भी है वो स्पीकिंग करने का ट्राई कीजिए। जो भी न्यू वर्ड्स, मैं आपको लाइन नहीं बोलूंगा, लेकिन न्यू वर्ड्स जो है, और पॉसिबल हो तो आप लाइन भी बोलिए, कोई भी सेंटेंस बोलिए। उसके बाद आप उसको रीडिंग कीजिए, आपको रीड करना है। तो जो भी कोई आए न्यू वर्ड्स या फिर जो, तो आपको उसको क्या करना पड़ेगा, रीड करना पड़ेगा। तो आप रीड करेंगे न्यू वर्ड्स, बहुत सारे न्यू वर्ड्स आएंगे, आपको आंसर क्वेश्चन आएंगे, सब भी आएगा। तो न्यू वर्ड्स जो है वो न्यू वर्ड्स आप रीडिंग कीजिए, तो रीडिंग भी आपको बहुत मदद करेगा। तो इसी तरह आपको रीडिंग भी करना है, लिसनिंग करना है, स्पीकिंग करना है, बोलना है, रीडिंग करना है। उसके बाद आपको राइटिंग करना है। आप अगर नोटबुक में लिखोगे तो आपको जल्दी याद रहेगा। और हाँ, अगर लिखते समय आप बोलेंगे तो कोई भी आपको आंसर क्वेश्चन याद रहेगा, और आंसर क्वेश्चन और फिर न्यू वर्ड्स जो आए हैं वो भी आपको याद रहेगा। तो इसी तरह हम इस साल भी इंग्लिश पढ़ेंगे, और उसे पढ़ने के बाद हम देखेंगे। और आज मैं आपको, आपकी बुक्स जो है, आपके पास दो बुक्स होगी, तो पहले आपकी टेक्स्ट बुक होगी, उसके बाद आपको आपकी वर्कबुक होगी। तो मैं आपको टेक्स्ट बुक और वर्कबुक दिखाता हूं। तो दिस इज योर स्टैंडर्ड सेकंड्स इंग्लिश बुक, आपकी इंग्लिश बुक है मैरीगोल्ड। यहां पे आप देख सकते हो फर्स्ट पेज, सेकंड पेज, और यहां पे आप यूनिट्स देख सकते हो, 1, 2, 3, 4, 5 एंड ये 6, 7, 8, 9, 10। तो यहाँ पे 10 यूनिट्स है आपके। और आपको मैं आपको आज थोड़ा सा कैसे क्या करना है, यूनिट 1 स्पेलिंग कैसे पढ़ना है। तो स्पेलिंग पढ़ेंगे हम FIRST, फर्स्ट, DAY, डे, एट, ATT, एट, SCHOOL, स्कूल, फर्स्ट डे एट स्कूल, फर्स्ट डे एट स्कूल। तो पहला दिन स्कूल का, आई वंडर, WONDER, वंडर, इफ माई ड्रॉइंग, DRAWING, ड्रॉइंग, विल, WILL, विल बी, बी एज, गुड, GOO, गुड एज, theirs, THEIRS, theirs। तो आपको हम, मैं फिर से आपको पढ़ाऊंगा, आई वंडर इफ माई ड्रॉइंग विल बी एज गुड एज theirs, आई वंडर इफ दे विल लाइक मी, दे विल लाइक मी, और जस्ट बी फुल ऑफ स्टेयर्स,
तो यहाँ पे आपको ऐसे पढ़ना है, तो आप ऐसे पढ़ेंगे यहाँ जिसमें आप जस्ट मैं आपको इंट्रोडक्शन कराता हूँ मैं आपका यूनिट का। तो फर्स्ट डे एट स्कूल ये आपका यूनिट है, तो आपको और यहाँ आप देख सकते हैं न्यू वर्ड्स, यहाँ लास्ट में दिया गया है न्यू वर्ड्स। तो मैं आपको कैसे पढ़ना है आपको मैं समझाता हूँ। आई वंडर, वही जो देखो पहले ये वंडर वर्ड है जो ये फिर से रिपीट हुआ। आई वंडर इफ माई टीचर, मेरे टीचर विल WLL विल लुक LOOK लुक लाइक LIKE लाइक मॉम और ग्रैंड, मॉम और ग्रैंड। यहाँ जो यहाँ MOM मॉम यानी कि मम्मी और ग्रैंड मदर, जो ग्रैंड मदर है वो ऐसे उसको ग्रैंड उसको शॉर्ट में दिया गया है। आई वंडर इफ माई पप्पी PUPPY विल WIL विल वंडर वेयर आई एम। तो यहाँ पे आपको रीडिंग करनी है, इस तरह आप रीडिंग कर सकते हो। वंडर यहाँ पे देखो, यहाँ पे न्यू वर्ड्स है वंडर ड्रॉइंग, यहाँ पे ING देखो, यहाँ पे ING स्टेयर्स STARES स्टेयर्स, ग्रैंड PUPPY पपी। ओके, तो ये रहा आपका यूनिट्स यूनिट वन। आपको इसी तरह घर में भी आपको प्रैक्टिस करनी है। और ये आपकी बुक, ये रही फर्स्ट बुक, ये टेक्स्ट बुक है, आपको क्या बोलेंगे यहाँ पे, ये टेक्स्ट बुक। ये रही आपकी वर्क बुक, आप देख सकते हो यहाँ पे वर्क बुक मैरीगोल्ड। तो ये आपकी वर्क बुक रही, और जो भी आप यहाँ देख सकते हो कि सेम है जो ये यूनिट्स है, या हम देखेंगे यूनिट्स। तो जो यूनिट्स है फर्स्ट डे एट स्कूल, तो ये सेम यूनिट है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे आपको क्या करना है कि नेम द आइटम्स यू कैरी इन योर स्कूल बैग, आपके स्कूल बैग में आप क्या क्या ले जाते हो आपको नेम। तो वर्कबुक में क्या करना है आपको, वर्कबुक में आपको ये सब जो एक्सरसाइजेस है वो आपको लिखनी है। पहले आप आंसर लिखेंगे उसमें, और उसके बाद आप इसी वर्कबुक में आप लिखेंगे। तो जो मैंने पहले बताई टेक्स बुक, उसके बारे में बात करेंगे। तो ये वर्कबुक है, तो आपको वर्कबुक में आपको यहाँ आंसर लिखना है। देखो इसके लिए अलग नोटबुक नहीं बनानी है। तो ये BOOK, ये बुक है, ये पेन है PEN पेन, ये लंच बॉक्स है LUNCH लंच बॉक्स BOX बॉक्स, पेंसिल है ये PENCIL पेंसिल, इरेजर है ये ERASER इरेजर है, स्केल है ये। तो आपको इसी तरह बहुत सारी एक्सरसाइज यहाँ पे आएगी। तो इसके लिए आपको ये मैथ द फॉलोइंग, मैथ द वर्ड्स इन कॉलम ए विद द करेक्ट एक्सप्रेशन इन कॉलम बी, आपको कॉलम ए और बी को आपको मैच करना है। तो इस मैरीगोल्ड जो वर्कबुक है, इसके लिए आपको अलग नोटबुक बनाने की जरूरत नहीं है। लेकिन ये जो टेक्स्ट बुक है, ये टेक्स्ट बुक, तो आपको टेक्स्ट बुक के लिए एक नोट बनानी है। तो मैं आशा रखता हूं कि आप लोग जल्द से जल्द नोट बनाए दीजिए, नोट बनाइए, और नोट बना के उसमें जो भी एक्सरसाइज है वो लिखिए। लेकिन ये हमारा फर्स्ट वीडियो है, तो मैंने आपको सिर्फ इंट्रोडक्शन करा है कि आपको ये मैरीगोल्ड है, ये मैरीगोल्ड टेक्स्ट बुक है, और ये मैरीगोल्ड वर्क बुक है। तो आप ये दोनों आपको पढ़नी है। तो नेक्स्ट सेशन में हम, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको ये यूनिट वन जो है, ये यूनिट वन में आपको यूनिट वन जो है ये यूनिट वन में आपको पढ़ाऊंगा अच्छी तरह से, डिटेल में पढ़ाऊंगा। तब तक थैंक यू वेरी मच।